गुस्सा करना ज्यादा इजी है या शांत रहना ज्यादा इजी है? हर एक अपने को चेक करे, कोई बात आती है, कोई कुछ करता है, उसको कहा था ऐसा करने के लिए कर दिया बिल्कुल कुछ और, बोला था करने के लिए इतने दिन से तो भी नहीं किया, जैसा हम चाहते थे वैसा वो नहीं थे, जैसा हमने सोचा था बात होगी वैसी नहीं थी, तो गुस्सा करना ज़्यादा इजी है या शांत रहना ज़्यादा इजी है? कौन सा ज़्यादा इजी है? किस किस को गुस्सा करना ज़्यादा इजी लगता है और किसको शांत रहना ज़्यादा इजी लगता है? अरे दोनों में हाथ नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? या तो ये इजी है या तो वो इजी है। आज के समय में क्या हुआ है, जो चीज़ों में हमारा नुकसान हो रहा है उनको हम इजी कह देते हैं कि उसने ऐसा किया, मैंने जोर से उसको सुना दिया, काम हो गया मेरा। कौन प्यार से बोले फिर वो मानता नहीं है, फिर प्यार से बोलो फिर वो मान, इतना तो टाइम भी नहीं है ना प्यार से बोलने का। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डांट देते हैं, हमारा काम हो जाता है। एंड सच्ची में काम हो जाते हैं, ऊंची आवाज में बोलो सामने वाला डर के फटाफट काम कर देता है। तो हमें लगता है अरे ये वाला तरीका तो वर्क करता है, तो हम हर टाइम थोड़ा सा जोर से बोलते हैं काम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले 10-20 सालों में हमारे काम बहुत सारे हो गए हैं, आज आप ये देखो ये पूरा प्रोग्राम जो तैयार हुआ है ये 15 दिन के अंदर हुआ है। 15 दिन पहले सिर्फ बात हुई थी कि आज के दिन अकोला में प्रोग्राम कर सकते हैं, आज ये 10 लाख 10 हज़ार की सभा और ये पूरा पंडाल, ये 15 दिन में आप सब तक निमंत्रण पहुंच के ये तैयार हुआ है। छोटा काम तो नहीं है, छोटा तो नहीं है ना? नहीं है। लेकिन अभी नहीं ताली बजानी, अभी ताली वाला पाठ बाद में है। ताली वाला पाठ ये है कि काम बड़ा है, लेकिन किसी ने भी इस 15 दिन में इसको करते हुए, बातें तो आई होंगी, किसी से गलती भी हुई होगी, किसी को कुछ कहा होगा तो उसने ठीक से किया भी नहीं होगा, लेकिन इस 15 दिन में इस काम को करने में किसी ने अपनी आवाज़ ऊंची करके दूसरे से बात नहीं की है, ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट है। क्योंकि परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जो स्थिति होती है यहाँ, मन की स्थिति से सेवा होती है। पेंडाल बना लिया, कुर्सियां रख ली, सबको बुला लिया, प्रोग्राम हो गया, ये सेवा नहीं है। किस स्थिति में रहकर, स्थिर रहकर, शांत रहकर, प्योर वाइब्रेशंस फैलाते हुए उस सारे काम को किया, तो फिर सबको आराम से सिर्फ बिठाया नहीं, सबको शांति और खुशी की वाइब्रेशन भी दी साथ में। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम अपने घर पर लेके चलते हैं या अपने ऑफिस पे लेके चलते हैं, हम सब काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, आजकल तो आराम से बैठने का भी टाइम नहीं मिलता, कुछ ना कुछ काम इतना चलता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी आज हम इतनी सभा में इकट्ठे हुए हैं कि खुश कैसे रहना है? और अगर किसी से भी पूछो इतनी जो मेहनत करते हो क्यों करते हो, तो किस चीज़ के लिए कहेंगे मेहनत करते हैं? हम किस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं? हम खुशी के लिए मेहनत करते हैं। तो जब एक चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो इतनी मेहनत के बाद वो चीज़ मिल जानी चाहिए ना हमें। लेकिन हम जो मेहनत कर रहे थे वो धन कमाने की कर रहे थे, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज धन के बिना ये चीज़ तैयार नहीं हो सकती, तो धन लगा इस टेंट को तैयार करने में, इतनी सारी कुर्सियों को यहाँ रखने में धन लगता है।
लेकिन उस काम करते समय जो मन की स्थिति होती है उसके वाइब्रेशन सबको खुशी और शांति देते हैं। अगर इसको करते समय मन अशांत, नाराज, दुखी, चिल्लाना वो सब होता तो आज हम इतनी शांति से यहाँ नहीं बैठे होते, क्योंकि हमें वो वाइब्रेशन ही नहीं मिलेगा यहाँ बैठने का। अब हमें क्या करना है, वही मेहनत करनी है जो हम करते हैं, उसी जॉब को करना है, बिजनेस को करना है, परिवार को संभालना है, लेकिन सारी मेहनत बाहर करते हुए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मन की स्थिति शांति और खुशी की हो, ताकि हम उनका ध्यान रखते हुए उनको खुशी भी दें सारथ में। नहीं तो हमारे परिवार को आज सब कुछ मिल गया है, आज सबके पास एक मकान है, स्कूटर है, गाड़ी है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके घर पे नहीं पड़ी है, लेकिन खुशी, सेहत, हेल्थ और वो प्यारे प्यारे रिश्ते, वो क्यों हिले हुए हैं? क्योंकि वो सारा धन और सामान कमाते समय हमने अपनी मन की स्थिति का ध्यान नहीं रखा, तो यहाँ पे तनाव हो गया, तनाव का असर शरीर पर पहुँचा तो बीमारियाँ हो गई। अभी भाई साहब ने बताया ना कि हमारे बैंक ने कैंसर हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं, आजकल कैंसर हॉस्पिटल हर शहर में खुल गए हैं। 10 साल पहले अगर जाएं तो किसी को कैंसर हुआ ये बहुत बड़ी बात होती थी, कैंसर हुआ है, आजकल कहते हैं अच्छा कैंसर हुआ है, अच्छा नॉर्मल। किसी को डिप्रेशन हुआ बहुत बड़ी बात होती थी, अभी कहते हैं अच्छा डिप्रेशन हुआ, नॉर्मल है आजकल होता है। किसी का डिवोर्स हुआ तो बताते ही नहीं थे, आजकल कहते हैं बेटी को बन नहीं रही, निभ नहीं रहा, कोई बात नहीं घर आ जाओ दूसरी शादी करेंगे उसमें की। तो इक्वेशन बदल गई है 10 साल के अंदर, और अगर हम अभी भी ठीक नहीं करेंगे उसको तो आने वाले 10 साल में इक्वेशन कहाँ चली जाएगी। तो रिश्ते, शरीर की सेहत और मन की खुशी बाहर की मेहनत से नहीं आती है, इलाज बाहर की मेहनत से आ सकते हैं, सेहत नहीं आ सकती है, सामान मेहनत से आ सकते हैं, सुख नहीं आ सकता है। बाहर की मेहनत बाहर का आराम देती है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखा तो खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते मिलते हैं। क्या हमेशा खुश रहना पॉसिबल है? हमेशा खुश रहना पॉसिबल है, संभव है? हमेशा खुश रहना संभव है? आप में से किस किस को कभी कभी गुस्सा आ जाता है? आज तो पक्का इसको छोड़ के जाएंगे यहाँ पे हम। ये जो मन है ना, आत्मा, वो शक्ति जो इस शरीर को चलाती है, इसको अगर एक बैटरी की तरह देखें तो अगर ये बैटरी चार्ज्ड है और फिर आप सारा दिन की हर सीन में चलें, काम भी करें, बच्चों को भी संभालें, लेकिन अगर ये बैटरी चार्ज्ड है तो ये खुद भी खुश रहेगी और सबको भी खुशी देगी। लेकिन अगर ये बैटरी डिस्चार्ज्ड है तो ये खुद भी तंग होती रहेगी और दूसरों को भी तंग करती रहेगी। और जब हम गुस्सा करते हैं ना तो ये बैटरी एकदम, तो आज हमने एक चीज तो छोड़कर जानी है, ताकि पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में पूछे, अच्छा अकोला कौन सी जगह है? जी अकोला वो वाली जगह है जहां कोई गुस्सा नहीं करता, हमेशा सारे खुश रहते हैं। हर एक शहर का एक लैंडमार्क होना चाहिए ना, कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए
कि ये शहर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है, तो इस शहर की ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अपना ध्यान रखते हैं। गुस्सा हमें क्यों आ जाता है? क्योंकि कोई ना कोई हमारे अनुसार कुछ नहीं करता है, और ही तो क्या आता है। जब लोग मेरे अनुसार नहीं होते, परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होती, तो हम कहते हैं गुस्सा तो आना ही था, बात ही उसने ऐसी की थी। लेकिन सारा दिन में तो बहुत सारे लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे ना। किसी को मिलता है परिवार सारा दिन जो बिल्कुल उनके अनुसार चलता है? नहीं मिलता। आप में से किस किस के बच्चे हैं और किन किन को ये भाग्य मिला है कि उनके बच्चे बिल्कुल सारा दिन उनके अनुसार चलते हैं? तो कभी सोचना चाहिए, जब मेरे अपने बच्चे मेरे अनुसार नहीं चल सकते, तो मेरे दफ्तर में, ऑफिस में लोग कैसे मेरे अनुसार चल सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। हमने इक्वेशन गलत कर दी। हमने कहा जब लोग मेरे अनुसार चलेंगे तो मैं खुश, जब लोग मेरे अनुसार नहीं चलेंगे तो गुस्सा तो आना ही था। ज्ञान एक बहुत ब्यूटीफुल चीज परमात्मा सिखाते हैं कि हरेक जो है आत्मा है, जिसके अलग अलग संस्कार हैं। हम सब ने बचपन से सुना आत्मा अजर अमर अविनाशी है, राइट बात? अजर अमर अविनाशी है। तो अभी चेक करते अपने आप को, यहाँ ये शरीर है, इसको चलाने वाली शक्ति जो सोचती है, संकल्प करती है, ये वो शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं। आज ये आत्मा इस शरीर में है। अगर अभी एक क्षण में कुछ हो जाए और आत्मा ये शरीर छोड़ दे, तो क्या होगा? इस शरीर से निकलेगी, कहाँ जाएगी? इस शरीर से निकलेगी, कहाँ जाएगी? वो दूसरी जगह उसका शरीर तैयार होगा, वो आत्मा उस माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन जब वो इस शरीर से निकलेगी और वहाँ जाएगी, वो अपने साथ क्या लेकर जाएगी? वो अपने साथ क्या लेकर जाएगी? आप में से अभी किस किस को गुस्सा आता है? सबने हाथ उठाया, हाँ, मेजोरिटी। किस किस को टेंशन होती है? वो भी होती है। चिंता होती है? वो भी होती है। कभी कभी ईर्ष्या भी हो जाती है थोड़ी सी, वो भी होती है। हाँ, कभी कभी हम बैठे बैठे किसी की निंदा भी कर देते हैं थोड़ी सी। अब आप सोचो, यहाँ पर इसको एक सीडी की तरह देखते हैं। अब मेरी सीडी पर निंदा का भी संस्कार है, गुस्से का भी है, चिंता का भी है, डर का भी है, ईर्ष्या का भी है, और अच्छे वाले भी बहुत हैं। मैं लोगों का ध्यान रखती हूँ, प्यार से बात करती हूँ, सम्मान देती हूँ, सब। तो 10 गाने हैं इस पे, 5 बहुत अच्छे वाले हैं, 5 थोड़े से ऐसे ऐसे वाले हैं। अब मैं आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ वो 10 गाने जाएंगे। अब आप देखो, एक घर में एक बच्चा पैदा होगा और 6 महीने के अंदर ही दिखेगा कि ये बच्चा जरा गुस्सा ज़्यादा करता है, छोटी छोटी बातों पे जोर से चीखता है ये बच्चा। दूसरा बच्चा बहुत शांत है। आप में से किसी के पास 2 बच्चे हैं और दोनों के संस्कार अलग अलग हैं? है ऐसा किसी का? है ऐसा? तो माता पिता कभी कभी सोचते हैं, ये मेरे 2 बच्चे, मैंने दोनों को सब कुछ सेम दिया, ये दोनों इतने अलग अलग क्यों हैं? एक शांत रहता है, एक गुस्सा करता है, एक कम बोलता है, एक ज़्यादा बोलता है, एक अपनी हर चीज़ जगह पर रखता है, एक कोई भी चीज़ जगह पर नहीं रखता है। ये इतने अलग अलग कैसे हो गए? मैंने तो दोनों को सब चीज़ सेम दी थी। क्योंकि हमें लगता है कि हमने अभी तो उनको सब सेम दिया, ये इतने अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों का पास्ट अलग अलग है। ये जब से पैदा हुए तब से इस घर में हैं, लेकिन उससे पहले ये कहाँ थे? उससे पहले ये कहाँ थे? किसी और शरीर में। उससे पहले ये कहाँ थे? कहीं और, और कहीं और, और कहीं और। तो हर आत्मा के ऊपर बहुत सारे संस्कार रिकॉर्डेड हैं। तो जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं,
हमें उनको ऐसे नहीं देखना सिर्फ कि ये मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये मेरे ऑफिस का कलीग है, नहीं, ये आत्मा है लो बहुत लंबी जर्नी पर, अपने साथ बहुत सारे संस्कार लेकर आई है। इसके संस्कार और मेरे संस्कार कैसे होंगे, कैसे होंगे? क्या कोई दो लोगों के संस्कार एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर हम क्यों बोलते हैं इनको मेरे जैसा होना चाहिए, क्यों बोलते हैं ऐसा? आज से उनको एक अलग नजरिए से देखना कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा जो इनके ऊपर ये वाला संस्कार रिकॉर्ड हो गया है। किसी के अंदर डर का हो जाता है, किसी के अंदर किसी पर विश्वास नहीं कर पाने का संस्कार होता है, किसी को छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा चिंता करने का संस्कार होता है। उसी परिस्थिति में घर का एक सदस्य बहुत चिंता करता है, दूसरा सदस्य को कोई चिंता ही नहीं होती, ऐसा होता नहीं होता? तो जिसको चिंता नहीं होती वो सामने वाले को कहते हैं आप इतनी चिंता क्यों करते हो, वो कहते हैं तुमको देखो तुम्हें तो चिंता ही नहीं हो रही कोई। तो दोनों को लगता है ये इतने अजीब है, इसको चिंता नहीं हो रही, वो कहता है इसको चिंता ही। हम एक दूसरे के संस्कार को समझ नहीं पाते हैं, तो हम कहते हैं आप गलत, वो कहता है आप गलत, तो हम एक दूसरे को क्या देते हैं फिर, आप गलत आप गलत। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमेशा ये याद रखना, आत्मा है, अनेक जन्म लिए, अनेक संस्कार लेकर आई है। परिवार का रोल क्या होता है, एक दूसरे के संस्कारों को स्वीकार करना और फिर उनको नए संस्कार क्रिएट करने की भी मदद करना। एक दूसरे के संस्कारों को स्वीकार करना और फिर उनको नए संस्कार बनाने की मदद करना। लेकिन उसके लिए उन्हें हमें समझना होगा कि ये संस्कार लेकर आए हैं। तो हर एक को उनके संस्कारों को जब हम समझेंगे और स्वीकार करेंगे तो किसी पर भी गुस्सा करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। क्या होता है, मन कैसा सोचता है ना, उस पर सब डिपेंड करता है। हम रोज क्या बोलते हैं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा करेंगे तो मुझे डिस्टर्बेंस तो होगा ही ना। तो मन रोज डिस्टर्ब होता है, रोज डिस्टर्ब होता है, रोज डिस्टर्ब होता है। और सिर्फ डिस्टर्ब नहीं होता, कुछ बोल भी देता है, फिर सामने से वो भी कुछ बोल देते हैं। परसों मैं एक प्रोग्राम में थी तो ऐसे बहनें थी, तो मैंने कहा किस बात की टेंशन है? तो एक बहन इतने प्यार से उठ के बोलती है, मेरे पति रोज गीला टॉवल बेड पे छोड़ के चले जाते हैं, उस बात की टेंशन है। मैं बोला बहन उठा के रख ही लो उसको साइड के ऊपर टेंशन करने की जगह। कहती लेकिन वो सीखते क्यों नहीं, लेकिन वो समझते क्यों नहीं, लेकिन वो उठाते क्यों नहीं? अच्छा कितने साल हो गए ये झगड़ा होते हुए रोज सुबह? कहती 25 साल तो हो गए। मैं कहा और कितने साल करेंगे? क्योंकि अगर हम चेकिंग नहीं करते ना तो हम उसी बात के लिए सालों साल कर रहे हैं। अपनी भी शक्ति घटती है, उनकी भी शक्ति घटती है, घर का वातावरण भी बिगड़ता है। तो बोलना है उनको उठाने के लिए, लेकिन बोलने का तरीका, क्योंकि उस हर सीन के अंदर खुशी छुपी हुई है, उस हर सीन में जहां हम अपने मन को डिस्टर्ब करते हैं हमारी खुशी गायब होती है, और उस हर सीन में जहां हम अपने मन का ध्यान रख के फिर लोगों का ध्यान रखते हैं हम खुशी कमाते भी हैं और अपने परिवार को खुशी देते भी हैं और इस पूरी समाज और दुनिया के अंदर खुशी बांटते भी हैं। तो जब हम कहते हैं मैंने उनके संस्कार को स्वीकार किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करें, जो झूठ बोल रहा है वो झूठ ही बोलता रहे, जो गलत कर रहा है वो गलत ही करता रहे, नहीं। लेकिन स्वीकार किया मतलब मेरा मन डिस्टर्ब नहीं होगा, अब हम उनको राय देंगे। विच मीन्स उनको राय देने से पहले अपने मन की स्थिति का संयम में रखकर
अब उनको स्वीकार किया और उनको राय दी तो सामने वाले को सिर्फ राय नहीं मिलती, आपकी एकाग्रता की शक्ति भी मिलती है। लोगों को आदत बदलने के लिए राय की नहीं ताकत की जरूरत है। वो कहेंगे हम करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं फिर क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो उनका संस्कार बना हुआ है। तो किसी का संस्कार बदलने के लिए उनको ताकत देनी पड़ती है, रोज रोज बोल के ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो ऐसा, वो नहीं बदलेंगे ऐसा, लेकिन उनको उसकी ताकत देनी पड़ती है। और ताकत कैसे मिलेगी, जब हमारी बैटरी क्या होगी, फुल्ली चार्ज्ड। बैटरी फुल्ली चार्ज्ड। तो जब हम सुबह परमात्मा को याद करने बैठेंगे, योग करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो हम ये संकल्प करेंगे, मैं हरेक को स्वीकार करती हूँ। बोले एक बार, हम हरेक को स्वीकार करते हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम औरों से लेने वाले नहीं। हम औरों को कौन सी साइड पे खड़े होना है, लेने वाली साइड पे या देने वाली साइड पे? देने वाली साइड पे खड़े होना है। फिर रोज उनके सामने खड़े होते और बोलते प्यार से बात करो, सम्मान दो, मुझे समझो, मुझ पर विश्वास करो, ये देने वाली साइड नहीं है। ये कौन सी वाली साइड है, ये लेने वाली साइड है। और जिनसे हम मांग रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो हमसे मांग रहे होते हैं, आप पहले प्यार से बात करो। तो दोनों मांगने वाली साइड पे खड़े हो जाते हैं, तो देने वाली साइड पर कौन खड़ा होगा?